27 दिसंबर को मंडी के पड्डल मैदान में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जारी है। रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पड्डल मैदान और शहर को 11 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही सभा स्थल सहित पूरा मंडी शहर सीसीटीवी की निगरानी में कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड टीम सहित अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरण भी लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही मंडी शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस के 5 ड्रोन कैमरा के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। 27 दिसंबर को मंडी शहर में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक किसी भी गैर जरूरी वाहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एसपी मंडी ने 27 दिसंबर को ट्रक यूनियन से मंडी शहर में ट्रक की आवाजाही ना करने की अपील की है। यदि इस दौरान कोई वाहन चालक शहर में गाड़ी लाता है या पार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही पर्यटकों को नागचल्ला से पंडो का पैच सुबह 6 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद ही पार करने को मिलेगा। सभा स्थल में जनता के लिए 4 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। मैदान के अंदर 23 अन्य गेट बनाए गए हैं जहां से जनता को प्रवेश मिलेगा। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, बालीचौकी, सराज, पंडो की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियां भ्यूली चौक पर सवारियों को उतारेगी और वहीं से यू टर्न लेकर बंद्रावणी में पार्क होगी। वापसी में बसें भ्यूली चौक में आकर सवारियां अपनी अपनी गाड़ियों में बिठाएंगे। उधर चंबा, कांगड़ा, जोगिंद्रनगर, पधर और कटोली की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियां नए विक्टोरिया पुल के पास सवारियां उतारें, साथ ही पुल के दाहिनी तरफ ब्यास नदी के किनारे अपनी गाड़ी पार्क करें। वापसी में नए विक्टोरिया पुल के पास से ही सवारियों को अपनी अपनी गाड़ियों में बिठाकर रवाना हो जाएं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।